मॉडर्न बहू की कहानी। एक सास और बहू रहा करती थी, उनमें जरा भी नहीं बनती थी। वो कहीं बहू तैयार होकर जा रही थी तो उसकी सास ने पूछा, अरे बहू कहाँ जा रही हो? मुझे तो बताओ कहाँ जा रही हो? हैं बहू, ऐसे ही कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? हाँ खाना बना दो। अरे अब मुझे तू सिखाएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, खुद खाना बना लेना और साथ में घर का सारा काम भी कर लेना, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। बहू बाहर जाने लगती है और सास देखते ही रह जाती है। बहू को जरा ख्याल नहीं आया कि मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे काम कह गई। या अल्लाह, ये किस तरह की मुझे दे दी है बहू। उतनी देर में ही सीता की पड़ोसन राधा आ जाती। अरे राधा, शुक्र है तू आ गई। मेरी तो बहू मुझसे बहुत बदतमीजी करती है। अभी मुझे कह के गई है कि मेरे आने से पहले खाना और सारी घर की सफाई कर देना, और कपड़े भी बहुत बुरे पहन के गए थे। मुझे तो बहुत शर्म आती है भाई जाने में भी। अरे शीला, मेरी तो बहू इतनी अच्छी है कि मेरी हर बात मानती है। तुम्हारी बहू की तरह नहीं है और ऐसे कपड़े भी नहीं पहनती। तुम्हारी बहू तो तुम्हारा नाक कटवा के एकदम लेगी। और फिर राधा घर की तरफ चले जाती है और फिर शीला घर के सारे काम करना शुरू कर देती है। अरे मुझे किस तरह की बहू दी है? अरे मेरे कमर में इतनी दर्द हो रही है, फिर भी मैं झाड़ू फेर रही हूँ। अरे हाय। फिर वो बेचारी खाना भी बनाने लगती है। इतनी देर में ही उसकी बहू घर वापस आ जाती है। अरे बुढ़िया, घर का सारा काम कर दिया था क्या तूने? है हाँ बहू, मैंने घर का सारा काम कर दिया था, खाना भी बना लिया और घर की सफाई भी कर दी थी। एक दिन वो बहू पार्क में किसी से बात कर रही थी कि तभी पीछे से उसकी सास ने देख लिया। बहू तुम किससे बात कर रही हो? अरे माँ जी, अब गलतफहमी, मैं तो अपनी मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी का फोन आया था, काफी देर हो गई, मम्मी की कॉल ही नहीं आई। आज मैंने सोचा अपनी मम्मी को फोन कर लो। अरे अगर तुमने अपनी माँ से बात करनी थी तो घर में भी तो कर सकती थी ना, यहाँ क्यों आई पार्क में? तुम्हारा कोई तो राज है मुझे बता दो, वरना मैं सबको कहूँगी कि ये कुछ छुपा रही है। बताओ जल्दी से। अरे माँ जी सॉरी, माँ जी प्लीज आप किसी को मत बताइएगा मेरे राज के बारे में। आइंदा मैं आपको कभी बुरा भला नहीं कहूँगी, घर के सारे काम भी करूँगी, प्लीज आप किसी को मत बताइएगा। और इस तरह बहू घर के सारे काम करना शुरू कर देती है और सास भी आराम से रहने लगती है और दोनों इकट्ठे खुशी खुशी पूरा परिवार रहने लगता है। और इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए और इस तरह ये परिवार खुशी हंसी रहने लगता है।